हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम क्या गुरु नीति के मैथ्स के एपिसोड नंबर 13 में टॉपिक है अपना पैराबोला। तो माइसेल्फ कमल सिंह एंड माइसेल्फ रितेश कुमार गुप्ता। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स ए एंड बी। इफ लेंथ ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। तो आपको k की वैल्यू पूछी है, ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड b। सो आपको लेंथ दी हुई है ab की, कितनी दे रखी है 10 की, 10 दे रखी है, 10 यूनिट्स। तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो ये दोनों पैराबोला, ये पैराबोला जैसे देखो आपके पास में y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो k का जो साइन है आपके पास में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इधर आपके पास में इसका जब अपने ग्राफ देखें तो इसकी शेप की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो इसका फर्स्ट पैराबोला को देखें, इसमें सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 9। तो इसका वर्टेक्स आपके पास में क्या हो गया, तो 0 माइनस 9, तो ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे फिर आपके पास में देखो, अगर इसका अगर रफ डायग्राम बनाए तो 0 माइनस 9, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, ऐसे ये पैराबोला बन गया, ठीक है। अब ये पैराबोला आपके पास में y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अब तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अगर आपको पैराबोला बनाना है तो देखो, अब इसको आपके या तो नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव लेंगे तो आपके पास में ये पैराबोला किस तरह का आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लोगे तो यहां पर देखो k की वैल्यू, देखो इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, k इसका जो ग्राफ है आपके पास में ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब कैसा होगा, इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, तभी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो ये आपके पास में पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी, तो इसकी लेंथ आपके पास में इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो अब अपने क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं y की वैल्यू डाल देता हूं एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर यहां पे आपके पास में क्या आ गया 9 अपॉन 1 माइनस के। अब अपने को यहां से देखो k की रेंज पता लगती है, तो k क्या आपके पास में किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, k मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन दी 1। अगर k 1 से बड़ा हो गया तो x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो x तो अपने पास में रियल है ना, तो इसलिए k आपके पास में क्या होना चाहिए, यहां पे लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये k मस्ट बी लेस देन 1, क्लियर है। अब अपने पास में देखो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू यहां पे प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर वन माइनस के, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में किस में रख दो, इस पैराबोला में रख दे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रही है फिर आपके पास में, यहाँ पे y इज इक्वल टू भी है तो 9 k अपॉन 1 माइनस k। तो आपके पास में पॉइंट्स क्या आ गए, दो पॉइंट्स ये हो गए, एक पॉइंट कौन सा हो गया 3 अपॉन 1 अंडर में 1 माइनस k एंड 9 k अपॉन 1 माइनस k। तो सेकंड पॉइंट आपके पास में क्या हो गया b, सो माइनस 3 अपॉन अंडर 1 माइनस k, 9 के y कोऑर्डिनेट इसके क्या है, दोनों के सेम है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके किस पे लाई करते हैं, दिस पॉइंट्स लाइंग ऑन ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास में देखें, तो 6 अपॉन अंडर 1 माइनस के, तो ये आपके पास में डिस्टेंस आ गया ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास में मॉडुलस 6 अपॉन अंडर में 1 माइनस के, दिस इज इक्वल टू 10। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 36 अपॉन 1 माइनस के 100, क्लियर है। अब इसको अपने सॉल्व कर लें तो ये आपके पास में कितना आएगा, 36 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 के, सो दिस वी हैव 100 के इज इक्वल टू 64, के इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें आप, ए टेंजेंट टू पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू 0 कट्स दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब
इस फर्स्ट पॉइंट पे, इस फर्स्ट पैराबोला पे टेंजेंट सेकेंड पैराबोला को 2 पॉइंट ए और बी पे बेटा इंटरसेक्ट करती है। देन दी लोकस ऑफ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी है दी इक्वेशन। तो ए बी जो सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना है। देखो जो फर्स्ट पैराबोला है वो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के फोर ए वाई, और सेकेंड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। ठीक है, अब देखो करना क्या अपन को क्वेश्चन में। अब फर्स्ट पैराबोला के, चलो एक बार इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वाई, तो इसका डायग्राम क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, इसका डायग्राम होगा अपवर्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट आपने जो फर्स्ट पैराबोला है ये नीचे वाला, इसके किसी भी पॉइंट पी पे आपने क्या ड्रॉ की टेंजेंट, तो वो टेंजेंट सेकेंड पैराबोला को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है इंटरसेक्ट, दिस इज लेट ए और बी। तो आपको ए बी के मिड पॉइंट एच कोमा के का लोकस फाइंड आउट करना है। देखो क्या मेथड है उसके लिए, आप एक काम करो, पहले तो इस पॉइंट पी पे क्या लिखो टेंजेंट की इक्वेशन, उसके बाद इस ए बी का मिड पॉइंट अगर एच कोमा के है तो देन आप ए बी कोड की इक्वेशन लिख सकते हो सेकेंड पैराबोला के लिए टी इक्वल टू एस वन, और बाद में टी इक्वल टू एस वन ए बी की इक्वेशन है, और इस पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन है वो भी आपकी क्या होगी ए बी की इक्विवेलेंट। तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो उससे एच और के में आपको रिलेशन मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखो कैसे करना है, इस पर एक पॉइंट पी लेट करो आप, जैसे लेट आप वाई लेट कर दो उसमें क्या, माइनस ए टी स्क्वायर, क्योंकि वाई को जब माइनस ए टी स्क्वायर, तो वाई को जब आप माइनस ए टी स्क्वायर लेट करोगे, या फिर सर एक ऑप्शन और हो सकता है कि आप सीधा मिड पॉइंट के लिए t इक्वल टू एस में लिखो, और फर्स्ट को टच करती है तो सीधा डी जीरो कर दो, ज्यादा बेटर, c इक्वल टू माइनस ए, हां c इक्वल टू माइनस ए ये कर देते वो लेंथ ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप मिड पॉइंट h कॉमा k है तो देन इक्वेशन ऑफ ab इज क्या लिखेंगे बोलो, t इक्वल टू s1, तो अपना जो पैरा बोला था स्क्वायर इक्वल टू 4b क्या था सर, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, और फर्स्ट पैरा बोला था x स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू जीरो। तो देखें, तो इस पे जब t इक्वल टू s में यूज करोगे तो t का मीनिंग क्या होगा, x x1, तो ये आ गया x h माइनस 4by प्लस ky2, ये तो t है, और s1 का मीनिंग क्या, s में पॉइंट पुट करना, तो आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 4by k, x को h y को, ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो ये आ गया फाइनली एक्स एच माइनस टू बी वाई माइनस टू बी के माइनस एच स्क्वायर प्लस फोर बी के इक्वल टू जीरो। थोड़ा अपन इसको प्रॉपर, ये क्या है ए बी की इक्वेशन है, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो एच एक्स माइनस टू बी वाई, और इसकी कॉन्स्टेंट होगी प्लस टू बी के माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये जो लाइन है आपकी इस सेकेंड पैराबोला को क्या करती है, टच करती है, तो या तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर सकते हैं c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, ये याद रखें x स्क्वायर इक्वल टू x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी c इक्वल टू aym, और इसके लिए होगी c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। या फिर क्या करना है आप, ये जो पैराबोला आपका x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इससे आप आराम से y की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो ये बनेगी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और ये लाइन इसको टच करती है तो बाद में कर दो उसका d0। जैसे ही आप d0 करोगे तो आपको h और k का बेटा लोकस मिल जाएगा, और सॉल्व करोगे ना तो उसका करेक्ट ऑप्शन आता है बेटा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू सर्कल x2 + y2 = c2 एंड द पैराबोला y2 = 4x, इफ द एंगल which this tangent makes with the x-axis is pi by 4. So then the relation between A and C is, so A और C देखो आपको इसमें क्या दे रखा है, greater than 0 दे रखा है, positive दे रखा है, तो आपके पास में देखो क्या है, एक common tangent है to both circle and parabola, parabola और circle पे, और वो tangent क्या करता है, x-axis के साथ में pi by 4 angle बनाता है, यानी 45 degree angle बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, आपको पता है अगर उसका स्लोप m हो टेंजेंट का, द
देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m. यस तो m यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, तो पैराबोला पे क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास में टेंजेंट की, y इज इक्वल टू, सो m कितना 1 है, x प्लस a अपॉन m, m इज 1, m is 1. So, ये आपके पास में tangent है, tangent to which circle, this is the tangent to the also to this circle. Clear है? तो अब आपके पास में अगर ये circle को touch करती है, then perpendicular draw from the center of the circle equal to radius. तो आप क्या करेंगे, circle के center से, center क्या है, 0, 0. So, perpendicular drawn from the center of the circle to this line, 0 minus 0 plus a upon under root 2. 2. One square plus one square is equal to c. Its radius. Clear it? Now we are given here in this question AC are positive. तो आपके पास में दोनों positive हैं. तो actual में अगर आप इसको देखें, ये modulus में होता है ये भी. ठीक है? So modulus of A is equal to under two modulus of C. Clear it? So both are positive. So then we can remove the modulus. A is equal to root two c. C. So answer to this question is, so we have here first option. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखें. फ्रॉम दी पॉइंट 4.6 ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. 4.6 से आपको इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है. दी एरिया ऑफ दी ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पेयर ऑफ टेंजेंट लाइंस एंड कोण ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दी पॉइंट 4.6 इज. चलो लिखते हैं इसको. पॉइंट तो गिवन है आपको 4.6 और पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x. इस पॉइंट से आप पैराबोला पे टू टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो दोनों टेंजेंट और इसकी जो कोण ऑफ कांटेक्ट है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया अपन को कैलकुलेट करना है. तो देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x है और ये पॉइंट पे इधर होगा इसमें 4.6. तो इसका रफली डायग्राम बनेगा ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे बनाओगे, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे और लेट ये इनका कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर होगा. तो लेट ये ए बी है और ये पॉइंट पी था. तो देखो इस ए बी पी का एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखो एरिया क्या होगा इसका, अगर आपको ए और बी पॉइंट पता चल जाए इसमें, तो ए बी तो इसका बेस और पॉइंट पी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी हाइट. तो डेल्टा ए पी बी, और या फिर अगर आपके पास ए और बी पॉइंट पता है तो आप डिटरमिनेंट से भी एरिया निकाल सकते हो. हाफ 4.61 this one and this one, तो उससे भी आंसर मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो इससे भी सिंपल है. हाफ बेस ए बी और हाइट इसकी हो जाएगी आपकी पीएम. तो चलो देखते हैं. तो देखो सिंपल सी बात है, ए बी इसकी क्या है, कोण ऑफ कॉन्टेक्ट. तो पॉइंट पी के रिगार्डिंग अगर ए बी इसकी कोण ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो. इक्वेशन ऑफ ए बी इज टी इक्वल टू जीरो. कोण ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू जीरो. तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो क्या लिखना, वाई वाई वन. तो वाई वन कितना, सिक्स. तो वाई सिक्स इक्वल टू आ गया एट, एक्स प्लस एक्स वन इज फोर वाई टू. ये फोर से टू फोर टाइम्स और टू से अगेन कैंसिल, तो आ गया थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस एट. ये आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है. तो इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, टू एक्स माइनस थ्री वाई सही है प्लस एट इक्वल टू जीरो. तो पहले तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं पीएम. तो पीएम डिस्टेंस भी क्या करोगे, पॉइंट पुट कर दो फटाफट इसमें. तो पॉइंट पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो एट माइनस 18 प्लस एट अपॉन रूट 13. तो ये पीएम डिस्टेंस है. तो ये आ गया फाइनली सोल्व करने पे 2 अपॉन रूट 13. अब आपको चाहिए ए बी डिस्टेंस. तो सिंपल सी बात ये कि इस पैराबोला को इसके साथ अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. जैसे लाइट आपने इसमें x की वैल्यू पुट की, इससे x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 3y माइनस 8 अपॉन 2. तो इस पैराबोला में जब x की वैल्यू को पुट करोगे तो यह जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x. तो सीधा 2x की वैल्यू पुट करने पर आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12y माइनस 32. इसको एक तरफ ले आओ तो आ गया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 जीरो. तो इसके फैक्टर होंगे 8 एंड 4. तो y आ गया 8 एंड 4. तो देखो जब y को आप 8 लोगे तो y को 8 लेने पे
24 माइनस 8 सीधा सब पुट कर दो ना, वाई को 8 लोगे तो एक्स भी आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ गया 8,1। सिमिलरली अगर आप वाई को 4 लोगे तो एक्स जाएगा 2,4। अब आप इजीली ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी लिखोगे अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 माइनस 4 4 इज 16, तो ये आ गया 52। 52 का मीनिंग 2 रूट 30, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो हाफ, इसका बेस क्या है 2 रूट 13 और इसकी हाइट है 2 अपॉन रूट 13, तो बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x एंड इट्स फोकस एंड वर्टेक्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 एंड √2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। इफ द वर्टेक्स एंड फोकस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी। तो इसमें देखो आपके पास में क्वेश्चन में क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू x है, क्लियर है। तो पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, तो पैराबोला वो इस लाइन के अलोंग है और उसका जो आपके पास में फोकस और वर्टेक्स है वो ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, 2√2 और √2 पे है, और वो दोनों देखो आपके पास में फोकस और वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर अपने इसका डायग्राम देखें थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा, तो देखो इसमें ये लाइन y इज इक्वल टू x आ गई, ये लाइन y इज इक्वल टू x आ गई, क्लियर है। अब आपके पास में देखो वर्टेक्स लाइज ऑन दिस लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ √2, तो √2 ये आपके पास में सपोज करो वर्टेक्स है यहाँ पे, तो इसका ये डिस्टेंस कितना √2 है, ठीक है। तो मेरे को ये अपने को ये देखना है कि इस लाइन पे y इज इक्वल टू x पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो अगर अपने इसको देखें ये √2 कब बनेगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्लियर है। या अगर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको क्या है इस डिस्टेंस को a, इसको a ले लें, क्लियर है। तो ये 45 डिग्री एंगल है, क्लियर है। तो इससे आपके पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज √2a² मतलब √2a, सो इसके इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में 1 आएंगे, क्लियर है। तो फोकस लाइज ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 2√2 डिस्टेंस पे। तो अगर इसका ये डिस्टेंस कितना आपके पास में 2√2 है, ये अपने फोकस अपने इसको आइसोलेट कर लेते हैं, क्लियर। अब इसका डिस्टेंस यहां पे 2√2 है, मैं ऐसे भी इसमें करूंगा जैसे देखो इसको क्या करेंगे अपने, ये जो डिस्टेंस है इधर वाला, ये फिर आपके पास में a ले लिया, दिस इज a, क्लियर। तो ये आपके पास में 2√2 इज इक्वल टू √2a, तो ये आपके पास में जब उसके बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये 2 ये भी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 2, क्लियर है। अब अपने पास में पैराबोला तो क्या होगा, उधर की तरफ होगा जिधर की तरफ फोकस होगा, तो पैराबोला विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वो इसकी शेप ऐसी रहेगी आपके पास में, तो पैराबोला ऐसा आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, तो मैं इसमें देखो आपको ये पैराबोला में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ये पॉइंट P पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, ये इसका एक्सिस हो गया, ये टेंजेंट टू दी पैराबोला एट वर्टेक्स, क्लियर है। तो ये देखो आपके पास में इसका अगर अपने को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता है और इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी टेंजेंट ड्रॉन एट दी वर्टेक्स, क्लियर है। और इसके एक्सिस तो एक डेफिनेशन ये होती है ना, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या हो गया इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। अब आपके पास में अगर ये पॉइंट क्या है आपके पास में एक्स वाई है, तो ये वाई ये आपके पास में एक्स है, तो इसको अगर अपने देखें इसमें यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो मैं ये क्या आ रहा है आपके पास में पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू पी एन का मॉडुलस, क्लियर है। तो ये आपके पास में इक्वेशन बनती है यहाँ पे पैराबोला की इस फॉर्म में, तो वही मैं इसमें करूंगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊंगा, तो इसकी इक्वेशन आपको पता है, क्लियर है। अब इसमें देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बी, तो इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट विल बी द टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स, ठीक है। तो टेंजेंट होगा किस पे, पैराबोला पे, इस पॉइंट पे 1 1 पे, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन कौन सी, एक्स माइनस वाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हुई, एक्स प्लस वाई माइनस के, वो कहां से पास होती है, 1 1 से पास होती है, तो उसमें
वन वन रखेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसकी इक्वेशन आपके पास में x plus y minus 2 is equal to 0 मिलेगी। क्लियर है? अब अपने को टेंजेंट एंड वर्टेक्स पता है, एक्सिस पता है, तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इसका क्या आपके पास में LR ज्ञात, LR फाइंड आउट करना है अपने को। LR क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना आपके पास में बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये देखो रूट टू आ गया, तो आपके पास में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुई LR, दैट इज 4a, 4√2। क्लियर है? सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी हियर, तो PN स्क्वायर इज इक्वल टू LR इनटू PN। क्लियर है? अब मैं इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, P का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट विल बी x माइनस y अपॉन रूट टू। क्लियर है? इसका स्क्वायर किया हुआ है, मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4√2। अब इसमें देखो मॉडुलस आता है, तो यहां पे मॉडुलस आएगा आपके पास में, इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस टू अपॉन रूट टू, तो रूट टू रूट टू ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में दो आ जाएगा, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 8, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार। अब अपने को पता है ना ये फोकस क्या है, दैट लाइज इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर है, तो इसमें आप जब 2 रखोगे ना, तो ये कंडीशन आपके पास में नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन 0। तो अब ये 2 जब इसमें रखा तो ये तो 0 हो गया, अब ये आपके पास में 2 डालेंगे तो यहां पर आपके पास में ये पॉजिटिव बनना चाहिए अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉजिटिव बन रहा है 2, तो ये माइनस का क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो आपके पास में ये वैल्यू क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए उसमें, तो इसका अगर मॉडुलस हटा देंगे तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी हियर x माइनस वाई होल स्क्वायर 8 x प्लस वाई माइनस 2। क्लियर है? तो ये आपके पास में पैराबोला का इक्वेशन आ गया। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को भी, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका चेक करने का तरीका बता दिया मैंने, क्या बताया, फोकस मस्ट लाई इनसाइड द, तो कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला में लाई करता है तो उसमें लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई पैराबोला का, ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नॉर्मल्स आर ड्रोन एट पॉइंट PQR लाइंग ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax व्हिच इंटरसेक्ट एट 3,0। देन आपको ऑप्शंस गिवन है कि PQR का एरिया 2 है, PQR जो ट्रायंगल है उसका सर्कम रेडियस 7/2, सर्कम सेंटर दिस पार्ट एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखो कैसे करना है, आपको पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आप पैराबोला पे 3 पॉइंट है PQR, इन 3 पॉइंट से आप क्या ड्रॉ करते हो नॉर्मल्स, तो ये पॉइंट 3,0 पे मीट करते हैं। तो देखो ये जो 3,0 है ये लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो वैसे आप प्रॉपर्टी याद रखो तो ज्यादा बेटर है कि एक्सिस पे 3 पॉइंट है, भाई सीधी बात है, आपने 3 पॉइंट है इस पैराबोला पे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो इस पॉइंट पे मीट करने चाहिए, या फिर ऐसे बोलो कि एक्सिस पे किसी पॉइंट से आप पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो एक नॉर्मल तो उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस ही बन जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक नॉर्मल ऐसे होगा, एक दिस होगा और एक इसके सिमेट्रिक होगा एज इट इज, वो नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, जैसे लेट इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा -2, तो ये पैराबोला ड्रॉ होगा और ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो जैसे ये पॉइंट आपका अल्फा कोमा बीटा है तो क्या होगा अल्फा कोमा माइनस बीटा, तो ये लेट पी है, ये लेट क्यू है, ये लेट आपका आर है, तो आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर आप बात करते हो स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में अपन नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं बोलो, y इक्वल टू mx माइनस 2a, इसका 1 है, 2m माइनस am स्क्वायर, सॉरी am क्यूब, ये आपकी क्या है नॉर्मल स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है, जैसे लेट ये पॉइंट आपने मान लिया am स्क्वायर कोमा माइनस 2am, तो दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0, इसको जब आप 3,0 से पास करोगे तो देखो क्या गया, 3m माइनस 2m इज m माइनस m क्यूब इक्वल टू 0, इससे एक तो आ गया m 0 और एक आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, और आपको पता होगा कि जब आपने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये जो फीट है आपके इनकी पॉइंट क्या लिखते अपन, a m स्क्वायर कोमा माइनस k 2 a m। ठीक
इसमें एम तो बने, सॉरी ए तो बने, हटा दो उसको, तो एम वन लोगे आप तो फर्स्ट एम वन कोमा एम को वन पुट करो तो एक पॉइंट तो आ गया वन कोमा माइनस टू, तो ये तो हो गया वन कोमा माइनस टू। ठीक है, एम को अगर माइनस वन लोगे तो ये जाएगा बेटा वन कोमा टू, और एम को जीरो लेने पे एक तो जीरो जीरो आ गया। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया आपका। अब इस ट्राइंगल का एरिया सीधा हो गया इसका एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका बेस कितना वन और इसकी हाइट कितनी है बोलो फोर, तो वन इंटू फोर तो इसका एरिया आ गया टू। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। सर्कम रेडियस की बात करोगे तो सिंपल सी बात है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, तो आपका फर्स्ट आंसर, बाकी आप ऑप्शन को देख सकते हो, बनवाने में कोई बड़ा इशू नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इज। तो ये दो पैराबोला दे रखे हैं आप पास, ठीक है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो आपको ये थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी पता होगी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो दो कर्व के बीच में है ना जो न्यूनतम दूरी होती है वो उनके उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश होती है। तो आपके पास में यहां पर ये दो पैराबोला दे रखे हैं, तो मैं इनके क्या कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन लिखूंगा, किस फॉर्म में लिख देता हूं, स्लोप फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, तो वो आपके पास में क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए, इसमें देखो वन दे रखा है आपके पास, माइनस टू एम माइनस एम क्यू, क्लियर है। अब इस पैराबोला में देखें, अगर अपने इस पैराबोला को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये क्या है 2x माइनस 3, तो इसमें और इसमें इस पैराबोला में थोड़ा सा चेंज हुआ है, x की जगह क्या रखा है x माइनस 3 रखा है, तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, तो x की जगह x माइनस 3 रख लो, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला हैविंग स्लोप m, तो वो आएगा आपके पास में m x माइनस 3 माइनस 2m a, सॉरी a यहां पे क्या 1 बाई 2 है, सो a इज 1 बाई 2, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको अपॉन 2 कर देता हूं, ठीक है, सो 1 अपॉन 2 एम क्यू, क्लियर, इस फॉर्म में आ गया। तो y इज इक्वल टू यहां पे आपके पास में एम एक्स माइनस 3m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 एम क्यू। अब ये इक्वेशन 1 और 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ये आइडेंटिकल हो गए, तो अपने क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। तो देखो ये दोनों टर्म तो सेम है दोनों में, तो अपने पास में कांस्टेंट टर्म को इक्वल रख देंगे, क्लियर, सो वी इक्वेट द कांस्टेंट टर्म, सो माइनस टू एम माइनस एम क्यू माइनस फोर एम माइनस वन अपॉन टू एम क्यू, क्लियर है। अब यहां से देखो आपके पास में ये कितना आएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहां पे, तो इसको ये इधर ले आते हैं 2m प्लस का, और ये इधर आएगा तो आपके पास में कितना आएगा, माइनस वन अपॉन टू एम स्क्वायर एम क्यू एम क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो एक एम की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में यहाँ पे जीरो, तो एक एम स्क्वायर कितना आ गया फोर, प्लस एम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में प्लस माइनस टू, तो यहां से आप प्लस माइनस देखो, एक तो एम इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, और एक एम इज इक्वल टू टू माइनस टू आ रहा है, तो आपके पहले मैं एम इज इक्वल टू टू ले लेता हूँ, जीरो पे भी लेके देख लेंगे, तो आपके पास में देखो ये दोनों का इसकी शेप कैसी है, इस पैराबोला की ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्लियर। अब इसका आपके पास में वर्टेक्स क्या है, यहां पे आपके पास में 3,0, सो 3,0 ही है इस टाइप का। तो एक तो डिस्टेंस आपके पास में ये दिख रहा है अभी आपको, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो इसको अपने 3 लिख लेते हैं, क्लियर। अब मैं m इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेता हूं, m इज इक्वल टू 2 के लिए जब चेक करेंगे तो देखो m इज इक्वल टू 2, तो इस पैराबोला पे अपने पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो इस पैराबोला पे पॉइंट क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है, तो m की वैल्यू जब 2 डालेंगे, यहां पे a तो 1 ही है आपके पास में 4, एंड दिस इज तो ये हो गया 2, यहां पे आपके पास में माइनस 4 माइनस, तो इस पैराबोला पे पॉइंट क्या आ गया आपके पास में, इस पॉइंट को मैं a लेट कर लेता हूं, क्लियर है। तो सिमिलरली इस पैराबोला पे भी आपके पास में पॉइंट आएगा, देखो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या, मैं am स्क्वायर रखूंगा, एम स्क्वायर को मैं एक्स माइनस 3 के बराबर रखूंगा, तो देखो आपके पास में एम स्क्वायर एक्स माइनस 3, क्लियर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2, यहां पर एम कितना आपके पास में 4 है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 एक्स माइनस 3, तो एक्स इज इक्वल टू 5, क्लियर है। तो सिमिलरली वाई तो वही रहेगा, वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1 अपॉन 2 है,
तो m कितना आपके पास में 2 है, तो आपके पास में माइनस 4, तो वो आ गया आपके पास में पॉइंट b क्या हुआ 5 माइनस इसमें कितना माइनस 4, क्लियर है। तो ये आपके पास में 1/2 तो सॉरी माइनस 2, तो ये माइनस 2 आएगा, क्लियर है। तो b के कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस 2 और a के कोऑर्डिनेट्स 4 माइनस 4। अब नाउ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल गिव द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैराबोला, तो वो मिनिमम इनका अगर ए भी निकाले तो कितना आता है आपके पास में, देखें ए भी आपके पास में यहाँ पे कितना आ रहा है 1+4√5 रूट में, तो √5, क्लियर है। तो ये आपके पास में √5 आया, तो 3 ये आपके पास में ज्यादा हो गया किससे √5 से, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैराबोला इज √5। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। If the normals at 3 points AP square 2AP up to so on of parabola y square equal to 4AX are concurrent, then the common roots of the equation PX square plus QX plus R0 and this part is, मतलब इन दोनों equation का common root क्या हो सकता है, तो देखें ढंग से इधर आओ, ये जो second equation है आपकी, आपके quadratic का property है वो याद रखें कि coefficient जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कोफिशिएंट है आपकी विद साइन उनका सम अगर जीरो हो तो बेटा 100% उस क्वाड्रेटिक का एक रूट ऑलवेज क्या होगा बेटा 1, तो लेट इसका एक रूट तो आ गया 1, सेकंड क्वाड्रेटिक का 1√1 है तो सेकंड रूट बीटा होगा सी अपॉन ए, तो दिस इज सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए ऑफ बी माइनस सी। ये बात समझो सभी कि इसके कोफिशिएंट का सम अगर जीरो है तो 1√1 ए सेकंड इज सी अपॉन ए। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो आप, जो फर्स्ट इक्वेशन हो गया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसमें क्या करना है इधर आओ, आपसे बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट है ये क्या है, इस पैराबोला की 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। तो देखो एक पैराबोला की प्रॉपर्टी वो आपको पता होनी चाहिए कि लेट ये पैराबोला है, इस पे 3 पॉइंट है p q और r, और ये तीनों पे जब आप नॉर्मल्स ड्रॉ करते हो वो तीनों नॉर्मल्स क्या कॉनकरेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पैराबोला के 3 पॉइंट्स पे अगर नॉर्मल कॉनकरेंट है तो उनके जो y कोऑर्डिनेट है उनका सम ऑलवेज 0 होगा बेटा, ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, क्योंकि जब y कोऑर्डिनेट का सम 0 करते हैं तो इन तीनों के स्लोप का सम बेटा 0 आता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 0। तो देखो आपकी जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स है pqr उनके y कोऑर्डिनेट का सम 0 करो तो देखो इन सम में 2 है तो कॉमन आ गया, तो ये आ गया p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0, a तो 0 ले नहीं सकते क्योंकि a को 0 लोगे तो पैराबोला आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो सीधा आ गया से p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। तो अगेन देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक है इसमें अगर p q और r इन कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन क्या होगा 1√α होगा और सेकंड रूट बीटा होगा बच्चों r/p। तो उसने क्या पूछा अपन से कि इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है तो बताओ कॉमन रूट क्या होगा, तो एक रूट कॉमन 100% क्या होगा अल्फा इक्वल टू 1। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन है थर्ड वन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द मिनिमम रेडियस व्हिच इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ मिनिमम रेडियस व्हिच टचेस बोथ द पैराबोलास y = x² + 2x + 4 एंड x = y² + 2y + 4, तो आपको एक ऐसे सर्कल का रेडियस मतलब सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस क्या मिनिमम हो और वो दोनों पैराबोला को टच करता हो। अब इन दोनों पैराबोला में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें भी क्या ऑब्जर्व करते हैं हम भी, ये दोनों पैराबोला में अगर इस पैराबोला में एक्स को वाई में और वाई को अगर इंटरचेंज कर दें तो वी गेट दिस पैराबोला, अगर इसमें अपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें तो ये पैराबोला मिलेगा। तो ऐसी अगर प्रॉपर्टी हो दो पैराबोला में तो दोनों पैराबोला क्या होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के। तो फंक्शन आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा जैसे, तो अगर क्या है उसमें जैसे x और y को इंटरचेंज करने पर एक दूसरा फंक्शन मिल जाए ठीक है, तो वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के। तो ये दोनों क्या y इक्वल टू x के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है। तो अगर अपने थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम बनाने पर क्या है देखो अपने पास में पहला पैराबोला क्या है आपके पास में y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसका वर्टेक्स आपके पास में माइनस 1 3 हो जाएगा।
और उसका वर्टेक्स आपके पास में क्या आ जाएगा, 3-1 आ जाएगा। तो अगर अपने इसको देखें दूसरे वाले को, तो x-3 y+1 होल स्क्वायर, इसका वर्टेक्स आपके पास में क्या आ गया, 3-1। तो कोई भी पॉइंट अगर अगर उस किसी पॉइंट का इमेज देखें लाइन अबाउट x इज इक्वल टू y के, तो वो क्या है आपके पास में, इसका इमेज क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दो, 3-1 हो जाएगा। तो क्लियर है, तो दोनों के वर्टेक्स हमें पता है, तो दोनों पैराबोला आपके पास में इस टाइप के आएंगे। जैसे देखो इसका -1, 3 है, ये मैं ऐसे रफली डायग्राम बना देता हूँ। दूसरे वाला पैराबोला का क्या आएगा आपके पास में, ये लाइन क्या होगी आपके पास में, y = x, तो दूसरा पैराबोला ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये अब इनके बीच में ये देखो आपके पास में मिनिमम डिस्टेंस विल लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। अब आपके पास में इस पैराबोला पे अपने कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, जैसे x1 y1, ठीक है। इस पे जो नॉर्मल आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं, देखो ये आपके पास में जो सर्कल आएगा मिनिमम रेडियस का, वो उसका डायमीटर विल बी अलोंग दिस लाइन, वो इस लाइन के अलोंग होगा, तो वो ये सर्कल आएगा आपके पास में मिनिमम रेडियस का। अपने को इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो पहले अगर अपने को ये पॉइंट पता लग जाता है, सपोज करो ये पॉइंट आपके पास में 5-6 आ जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6-5। तो आपको सर्कल के डायमीटर के एंड्स पता लग गए, तो अब अपने को इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ये ऐसा पैराबोला है कौन सा, y² = ये वाला सेकंड वाला ले लेता हूं मैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या, इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप मिलेगा किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, क्लियर है। तो फिर आपको क्या है, जो नॉर्मल होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका स्लोप कितना है आपके पास में, 1 है, तो इसका स्लोप क्या आएगा फिर आपके पास में, -1 आ जाएगा। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, 1, सो dy/dx, ये आपके पास में यहां से 2y + 2, क्लियर है। तो ये आपके पास में dy/dx क्या आ गया आपके पास, 1/2y + 1, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो एक स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ फिर आपके पास में, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, यहां से माइनस, ये आपके पास में -2y + 1, तो आपके पास में स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m1 = -1, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, -1 के इक्वल रख देता हूँ, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास में y की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस पैराबोला पे जो पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ गया, -1/2 आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग x की कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो x का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो यहां से, तो ये आपके पास में किसके इक्वल आएगा, 1/4 - 1 + 3 कर दो सीधा, -1/4, सो दिस विल बी 13/4 आ गया, 4, तो 13/4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में, a के मेरे पास में क्या आ गया, 1 - 1/2 and 13/4, और इसके ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, दे आर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन x = y2, तो इसका आपके पास में क्या आ जाएगा, 13/4 - 1/2, क्लियर है। तो ये आपके पास में दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता लगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर एंड्स आर दीज टू पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा, फिर x + 1/2 and x - 13/4 + y + 1/2 y - 13/4 = 0। अब अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो देखो आपके पास में क्या आता है, तो ये x² + y² माइनस, देखो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये -11/4 x, सो -11/4 y। अब ये आपके पास है -13/8 - 13/8, दैट इज -26 आएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं 13/4 = 0, क्लियर है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हियर 4x² + y² - 11x - 11y - 13 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल हूज रेडियस इज मिनिमम एंड विच टचेस बोथ द पैराबोला, क्लियर है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4ax।
देखो क्या करना है इसमें, एक पैराबोला गिवन है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या बोला गया इसमें, इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फोकल कोड का मीनिंग है, जो फोकस से क्या होगी लाइन पास, उस कोड को क्या बोलते हैं फोकल कोड, तो लेट इसकी एक फोकल कोड ड्रॉ करो आप जो फोकस से पास होगी, तो इस फोकल कोड लेट AB, इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है लेट M, इसका क्या फाइंड करना लोकस, तो जिसका लोकस करना है फाइंड आउट उसको क्या लेट करते हैं H कोमा, तो आपको H के और कांस्टेंट A में लाना रिलेशन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बताओ अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं AB की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, T इक्वल टू S1, तो इक्वेशन ऑफ AB इज, इक्वेशन ऑफ AB इज क्या लिखोगे बच्चों, T इक्वल टू S1, पहला बोला है आपका y स्क्वायर इक्वल टू सॉरी y स्क्वायर माइनस 4ax0 और पॉइंट है आपका h कॉमा k, तो देखो t का मीनिंग क्या होगा, y y1 माइनस 2a क्योंकि 2 अपॉन में कैंसिल, x प्लस h इक्वल टू s1 का मीनिंग उस पैराबोला में h कॉमा k पुट करो, तो आ गया k स्क्वायर माइनस 4ah, अब देखो आपको h के में लोकस लाना है, तो इसमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, x और y, तो x y को एलिमिनेट करने के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है कि जो एक कोड है आपकी, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस a, 0, तो इसको आप a, 0 से कर दो पास, तो x को a पुट करना, y को 0, तो y को 0 पुट करने पे तो 0 आ गया, माइनस 2 a a प्लस h, ठीक है, और इक्वल टू आ गया बच्चों k स्क्वायर माइनस 4ah, अब साथ ही साथ h को x से रिप्लेस करना है k को y से, तो ये जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a h की जगह x है ना, और इक्वल टू आ गया y स्क्वायर माइनस 4ax, तो जब 4ax को आप लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो इससे फाइनल आपको क्या मिला, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax माइनस 2a स्क्वायर, तो जब इसमें से 2a कॉमन लोगे तो ये आ गया x माइनस a, तो जो पॉइंट h कॉमा k का लोकस है वो भी क्या है, पैराबोला है जिसका वर्टेक्स a कॉमा 0 है, ठीक है, मतलब ये जो फोकस है उसका वर्टेक्स बन जाएगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द पॉइंट अल्फा 1 लाइज स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x2 + y2 - 4 = 0 एंड c2 सेकंड कर्व है y2 = 4x, तो ये सर्कल और पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसका आपके पास में वर्टेक्स क्या है 0 0, और इसका सेंटर क्या है 0 0, तो ये इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, तो पैराबोला ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है, अब वो पॉइंट जो आपके पास में, ये आपके पास में दिस इज द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय बोथ द सर्कल एंड पैराबोला, क्लियर है, ये आपका लार्जर रीजन हो गया, अब वो पॉइंट आपका किस में लाई करता है, इस स्मॉल रीजन में लाई करता है, तो पॉइंट इज अल्फा वन हियर, तो अब ये पॉइंट अल्फा वन जब सर्कल में है और पैराबोला में है तो आपको पता है एस वन इज लेस देन जीरो होता है, ठीक है, फॉर ऑल पैराबोला, क्लियर है, सर्कल में ये रहेगा, तो इसमें देखो ये पॉइंट अल्फा वन इसमें रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर दैट इज लेस देन जीरो, सो यहां से आपके पास में क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 3, तो इसमें देखो मैं ये सीधा लिख देता हूं, अल्फा बिलोंग्स टू यहां पे माइनस रूट 3 टू रूट 3, क्लियर है, अब इसमें देखो वो अल्फा वन किस में है, साथ में सर्कल में भी लाई करता है, सॉरी पैराबोला में भी लाई करता है, इनसाइड लाइज इनसाइड द पैराबोला, तो उसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 1 माइनस 4 अल्फा लेस देन 0, सो अल्फा इज ग्रेटर देन 1/4, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जब, इंटरसेक्शन ऑफ दिस अल्फा बिलोंग्स टू 1/4 से रूट 3, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, इफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट एट x1, y1 एंड x2, y2 रेस्पेक्टिवली, देन आपको ऑप्शन में चेक करना है कि x1 x2 इक्वल होगा या y1 y2 अप टू सो, तो देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में बोला गया कि पैराबोला गिवन है आपको y2 = 4ax,
ठीक है, और इसकी जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मीनिंग जो लाइन कहां से पास होगी, बोलो फोकस से, तो लेट इसकी फोकल कॉर्ड है ए बी, इस फोकल कॉर्ड ए बी के एंड पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, टेंजेंट्स और नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो देखो जब इस पे लेट, अब आपको क्वेश्चन बोला गया कि फोकल कॉर्ड है, तो आप इसको अगर फटाफट करना है तो फोकल कॉर्ड को ये भी तो मान सकते हो ना, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि फोकल कॉर्ड को अगर लेटर सेक्ट में मानोगे तो कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में तो क्या करो, अगर आप फोकल कॉर्ड को एल आर लेट करते हो तो ये पॉइंट तो क्या होगा ए कोमा टू ए, और बेटा ये पॉइंट क्या होगा ए कोमा माइनस टू ए। और सिंपल सी बात है कि जब एल आर के एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट ऐसी होगी, और एल आर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ऑलवेज इसको एक्स एक्सिस पे कट करती है, वो भी डायरेक्ट्रिक्स पे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, तो सेकेंड इसकी टेंजेंट होगी बच्चों ऐसे, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो ये पॉइंट तो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो। मतलब जब आप इन दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ करोगे एल आर के एंड पॉइंट पे, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया माइनस ए कोमा जीरो, ठीक है। जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एक नॉर्मल तो इस पॉइंट पे इधर ड्रॉ होगा, और सेकेंड नॉर्मल आपका इस पॉइंट पे इधर, ये सिमेट्रिक डायग्राम होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये पॉइंट जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा इसमें ए कोमा जीरो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा जीरो। तो आपको यही देखना है कि भाई x और x2 ही तो डिफरेंट होंगे ना, तो y कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होगा जीरो, मतलब y1 इक्वल टू आ गया y2। अगर आप और कोई भी फोकल कॉर्ड लेट करोगे उस केस में भी y1 इक्वल टू y2 होगा, बस वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैराबोलास हैव द सेम फोकस if their directrices are the x axis and y axis so respectively, then slope of their common chord is, so unki common chord ka apne ko slope lena hai, theek hai, to isme dekho main kya let kar leta hu, focus kya let kar leta hu, uska h comma k let kar leta hu, dekho aise roughly aap isme thoda sa samjhe, aap isko iska main focus kya let kar liya first quadrant mein ho sakta hai yaar, theek hai, to डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास में, एक पैराबोला तो ऐसा बनेगा आपके पास में, ठीक है, एक पैराबोला क्या आएगा आपके पास में इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ले लेना, चलो दोबारा बना लेते हैं, इसमें देखो ये आपका फोकस हो गया एच कॉमा के, ठीक है। अब आपके पास में एक्स एक्सिस एज ए डायरेक्ट्रिक्स, तो ये दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आपके पास में x is equal to zero, तो अब मैं इसमें देखो जो पैराबोला बनाऊंगा, एक तो पैराबोला देखो ये आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये मतलब इसका फोकस हो गया, तो बीच में इसे पास होगा, तो ये इसका एक पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब एक पैराबोला जैसे देखो आपके पास में उस डायरेक्ट्रिक्स इज द एक्स एक्सिस, तो वो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे इस टाइप का बन जाएगा, तो डायग्राम हमेशा ना ये समझने के लिए रफ है। तो इनके जो कॉमन कोड आपके पास में, एक तो देखो जैसे ये आ रही है, ये मैंने वैसे ही आपको शो कर दिया एक बार, मतलब ओरिजिन से पास होती है, अपने इक्वेशन जब लिखेंगे, अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूं, वंस यू नो द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो आपके पास में देखो क्या इक्वेशन बनेगी फिर इसकी पैराबोला की, इस पैराबोला के लिए बात कर लेते, मैं इसको लिख देता हूँ पी वन और इसको पी टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास में क्या बनेगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस आपको ये पता है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पीएम इज इक्वल टू पीएस, वो वाला फार्मूला लगाया है, तो इसमें देखो अंडर रूट में, तो ये आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स क्या वाई इज इक्वल टू, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ वाई। अब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर करना है, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ के जो भी है, तो ये आपके पास में तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू, तो सही है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, स्क्वेयरिंग करेंगे तो y स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें देखो आपके पास में पॉइंट क्या, मैं बता रहा हूं इस पे पॉइंट जो लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट x y है, ठीक है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल, ठीक है, दोनों से डिस्टेंस इक्वल रह जाए। तो सिमिलरली फिर आपके पास में किसके लिए, ये मैंने किसके लिए लिखा आपके, तो ये मैंने लिखा पी वन के लिए, ठीक है। तो पी टू के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, एक्स माइनस
एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली उसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्टली साहब के पास में क्या हो गया वाई एक्सिस होगा ना, तो कहीं ऐसा मत समझना कि ये सर्कल का इक्वेशन है जी, ये तो सर्कल का नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने डेफिनेशन इसमें पैराबोला की ही लगाई है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों को बराबर रख दो, यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कॉमन कोड आएगी, एक तो ये ऐसे इस टाइप की कॉमन कोड आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके कर दिया, अब ये कॉमन कोड ऐसे भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे भी पैराबोला शो कर सकते हो ना, दो पैराबोला, तो उस टाइप से वो आ जाएंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी कॉमन कोड क्या आएगी, एक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगी। सो हियर वी हैव टू कॉमन कोड्स विच आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, विच इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो स्लोप क्या हो गया दोनों कोड्स का, प्लस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होती है बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए माइनस टू कोमा जीरो पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इट इंटरसेक्ट दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एट पी एन क्यू। और आपको एक रिलेशन गिवन है पी एन क्यू को बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन आपको इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब आपको इंसिडेंट रे की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, पॉइंट ए गिवन है आपको माइनस टू कोमा जीरो और पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको इंसिडेंट रे को फाइंड आउट करना है। देखो इसका एक बार रफली डायग्राम ड्रॉ करें आप, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो देखो अगर आप जैसे लेट ये पॉइंट आपको गिवन था ए माइनस टू कोमा जीरो, तो इंसिडेंट रे आप इंसिडेंट रे के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इंसिडेंट रे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि लेट ये इस इंसिडेंट रे है और एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जा सकती है, तो ये पॉइंट पी और क्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करती है, और अगर आप इधर से ड्रॉ करोगे तो वो पैराबोला को बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेगी, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि पी एंड क्यू लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये डायग्राम आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपकी बनी इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये इसको पी और क्यू पे क्या करती है बच्चों इंटरसेक्ट, तो देन आपको इंसिडेंट रे की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस इंसिडेंट रे पे आपको पॉइंट पता माइनस टू कोमा जीरो, अगर इसका स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, तो क्या गया एक्स प्लस टू, तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस टू। अब इसके स्लोप के लिए देखो क्या करना है आपको, ये इसका नॉर्मल होगा, तो देखे इधर ये इंसिडेंट रे और बेटा रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज नॉर्मल के साथ क्या करती है इक्वल एंगल, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, और ये टोटल 90 है तो ये एंगल आ गया बेटा 90 माइनस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू के लिए देखो क्या करोगे आप, पॉइंट ए से एपी और एक्यू टू डिस्टेंस है, और क्वेश्चन में एक वर्ड आपको एक स्टेटमेंट गिवन था कि वन अपॉन एपी प्लस वन अपॉन एक्यू आपको गिवन है वन बाई फोर, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ गया एपी प्लस एक्यू अपॉन एपी डॉट एक्यू इज वन बाई फोर। तो देखो इस रिलेशन का यूज क्या है, एपी का मीनिंग दिस डिस्टेंस और एक्यू का मीनिंग दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या करो आप इस एपी या एक्यू लाइन की इक्वेशन लिखो डिस्टेंस फॉर्म में या पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो पॉइंट अगर माइनस टू कोमा जीरो है और इसका एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो देन इक्वेशन ऑफ एपी ऑब्लिक एक्यू इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा इक्वल टू आर। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे फर्स्ट और थर्ड को तो इससे आपको एक्स पॉइंट आ गया बच्चों माइनस टू प्लस आर साइन थीटा और y पॉइंट मिल गया r cos थीटा। अब ये जो x का y है ये पॉइंट a से r डिस्टेंस पे पॉइंट p भी हो सकता है और पॉइंट q हो सकता है, मतलब ये पॉइंट x का y p और q कुछ भी हो सकता है, और p एंड q लाइज ऑन दी पैराबोला, तो आप इस x y की वैल्यू को पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में पुट कर सकते हो। तो चलो इसको फटाफट पुट करो, तो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x में इसको पुट करोगे तो देखो कैलकुलेशन आएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 इंटू एक्स, चलो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो माइनस 8 प्लस 4 आर साइन थीटा थीटा, सबको लेफ्ट में ट्रांसफर करो, तो इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इन आर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 आर साइन थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बेटा एक आर में क्वाड्रेटिक है कॉस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर में क्वाड्रेटिक है, तो इसके टू रूट होंगे बच्चों आर वन एंड आर टू, तो इसके टू रूट अगर, क्योंकि अगर इसको R1 लेट करके दो पॉइंट P होगा और R2 लेट करके दो पॉइंट आपका Q होगा, तो इसका और देखो AP क्या है R1 और AQ क्या होगा R2, तो इससे आप लिख सकते हो R1 plus R2 upon R1 R2 equal to 1 by 4, तो एक बार तो सम ऑफ रूट क्या होगा 4R sin theta upon cos square theta अपॉन में cos square theta भाई C अब इधर तो लिखोगे माइनस B अपॉन A इधर C अपॉन A तो A से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 sin theta अपॉन 8 इक्वल टू 1 by 4, तो ये आ गया sin theta इक्वल टू 1 by 2, sin theta 1 by 2 है तो सीधी बात है, देखो ये एंगल 90 से छोटा है ना, तो theta आपका होगा 30 डिग्री, और theta 30 होगा तो उस केस में m 30 का मीनिंग क्या बन जाएगा रूट 3, तो आपकी इंसिडेंट डे की क्वेश्चन होगी y इक्वल टू रूट 3 x प्लस 2, तो चलो एक बार देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, y इक्वल टू तो रूट 3 x माइनस रूट 3, सॉरी सॉरी अपने गलती कर दी इसमें, ये एंगल थीटा है तो अपन को तो टोटल एंगल लेना दिस पार्ट, तो ये 90 प्लस थीटा होगा, सॉरी क्या होगा 90 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस के रूट 3, ठीक है 90 प्लस थीटा लोगे तो क्या बन जाएगी माइनस के रूट 3, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको मैच करेगा इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रिमूव करो, 15 क्वेश्चन देखो, अब 15 क्वेश्चन देखें, लेट ए एंड बी बी द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचस, इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला touches a circle of the radius r having AB as its diameter, then slope of the line joining the A and B can be B. तो अब आपके पास में ये parabola है, तो देखें parabola का equation क्या है y square is equal to 4x, अब वो question में ये कह रहा है कि इस parabola पे दो distinct points है A and B, तो अब फिर एक circle है वो क्या करता है parabola के axis को touch करता है and whose diameter is AB, ये दिया हुआ है और उसका रेडियस कितना आपके पास में आर है, सो देन स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, लाइन जॉइनिंग द ए एंड बी, तो देखो डायग्राम देखें अगर अपने इसको थोड़ा सा, तो ये पैराबोला हो गया आपके पास में हूज एक्सेस इज द एक्स एक्सेस, सॉरी इस टाइप का, तो मैं इस पे जो पॉइंट ले लेता हूं ए एंड बी, ये पॉइंट आ गया, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट कर लेते हैं, a is equal to यहां पे 1 है, तो इसका आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या हुए इसके t1 square और 2t1, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या हुए t2 square 2t2, क्लियर है, नाउ लाइन जॉइनिंग द दीस टू पॉइंट्स ab एज ए दिस इज अ डायमीटर ऑफ द दैट सर्कल व्हिच टचस द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो पैराबोला के एक्सिस को टच करता है, जैसे ऐसे सर्कल आएगा, ये डायग्राम जो होता है रफली होता है थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, अब अपने पास में देखो इस का अगर अपने इस सर्कल के रेडियस कितना आपके पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, मैं इसका अगर मिड पॉइंट निकालता हूं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट क्या आएगा आपके पास में, इसका पॉइंट पी लेट कर लेता हूं, तो मिड पॉइंट क्या है आपके पास में टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर अपॉन टू कोमा टी वन प्लस टी वन प्लस टी टू, क्लियर है, अब ये आपके पास में जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विल बी हियर टी वन प्लस टी टू, क्लियर है, तो ये दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, तो टी वन प्लस टी टू किसके बराबर आया आपके पास में इक्वल टू आर के, क्लियर, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हुआ आपके पास में अगर अपने इसको फाइंड आउट करते हैं दैट विल बी सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये आपके पास में टू अपॉन टी वन प्लस टी टू आ जाएगा, ठीक है, तो 2 अपॉन t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आपके पास में r है, ठीक है, सो द स्लोप ऑफ ab ऑफ दिस लाइन व्हिच जॉइंस द पॉइंट a एंड b इज 2 अपॉन r, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन
सर इस क्वेश्चन में अगर ये मोड आर होता ना तो फिर माइनस वाला भी आंसर सही हो सकता है। वो तो फिर दो मोर देन वन का क्वेश्चन बनता है, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आपके पास में टू होना। ध्यान देते बच्चे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट पी रूट थ्री कोमा जीरो मेक एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट दी पैराबोला ए एंड बी। तो देन आपको पी ए प्लस पी बी पी ए माइनस पी बी पी ए डॉट पी बी और 1 अपॉन पी ए प्लस 1 अपॉन पी बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का तो देखते हैं कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक पैराबोला गिवन है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा माइनस टू कोमा जीरो। ये लो ये वर्टेक्स है माइनस टू कोमा जीरो और ये पहला पैराबोला बनेगा आपका लेफ्ट वर्ड। ये पैराबोला गिवन है आपको एक पॉइंट है पी रूट थ्री कोमा जीरो, इस रूट थ्री कोमा जीरो से आपने क्या करनी है एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है 60 डिग्री। लेट अस से ये एंगल आपको बोला गया 60 और ये लाइन पैराबोला को कट करती है बच्चों ए एंड बी पे। अब आपको पी ए पी बी अप टू सोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को, पैराबोला गिवन था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। देखें अपन पी ए पी बी की वैल्यू के लिए काम करो, इस लाइन पर एक पॉइंट पी गिवन है आपको और इसका एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो आप इस ए बी इक्वेशन को लिखो पैरामीटर फॉर्म में। देखो इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन कॉस 60 इज 1/2 इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू इक्वल टू आर। जब आप फर्स्ट और थर्ड से बात करोगे तो उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी बच्चों रूट थ्री प्लस आर वाई टू और सिमिलरली सेकेंड और थर्ड से y की वैल्यू मिलेगी आपको रूट थ्री आर वाई टू। इस r का मीनिंग क्या है कि पॉइंट p से आपने इस लाइन पे एक पॉइंट a या पॉइंट b को कंसिडर किया है। अगर इक्वल टू r में आप इस डिस्टेंस को आर लेट कर तो पॉइंट ए हो सकता है या पॉइंट बी, तो आप ये जो एक्स कॉम वाई है वो लाइज ऑन दी पैराबोला। तो जब आप एक्स और वाई को पैराबोला पे पुट करोगे तो इससे आपको एक रिलेशन मिल गया थ्री आर स्क्वायर वाई फोर इक्वल टू आर वाई टू प्लस रूट थ्री प्लस टू। आप इसको फोर से मल्टीप्लाई करो और इसको कर दो लेफ्ट में ट्रांसफर, तो क्या आ गया थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस आप ये बोल सकते हो ना कि लेट पॉइंट पी से आर वन डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लेट किया पी, तो इसके इक्वल टू आर वन करोगे आप तो एक तो आर वन हो गया। सिमिलरली अगर पॉइंट पी से अगेन आर टू डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लेट किया भी तो अगेन आर टू बन जाएगा। तो देखो अब अपन ऑप्शन से बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है पी ए प्लस पी वी की वैल्यू क्या होगी, पी ए डिस्टेंस है भाई, ध्यान रखें पैरामेट्रिक फॉर्म में जो आर है ये एक वेरिएबल है, इसको आप डिस्टेंस लेट मत करना, ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है आर इसमें, ठीक है। तो आप पी ए को लिखोगे मोड आर वन, तो ये क्या है मोड आर वन प्लस मोड ऑफ आर टू, तो इसमें पैरामीटर फॉर्म में आप विद साइन बात करोगे कि पॉइंट ए से अब डिस्टेंस पे पॉइंट ए है तो आर वन को आपने पॉजिटिव लेट किया है तो आर टू को नेगेटिव साइन के साथ लेट करना है, तो ये जाएगा आर वन माइनस आर टू। तो पी ए प्लस पी बी का मीनिंग क्या आर वन माइनस आर टू, तो क्या करना है आर वन माइनस आर टू का मीनिंग क्या है इसका डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा देना रूट डी अपॉन ए, तो इससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया फिर पी ए माइनस पी बी का मोड मोड, तो देखो पी ए का मीनिंग क्या है मोड आर वन और मोड आर वन को क्या लिखना था आर वन और पी बी का मीनिंग क्या मोड आर टू और आर टू नीचे की तरफ है तो नेगेटिव तो ही बन गया प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू का मीनिंग है सम ऑफ रूट, तो ये आ गया बच्चों टू बाई थ्री, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इसका एक आंसर तो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करोगे, थर्ड ऑप्शन में बोला गया पी ए डॉट पी बी, थर्ड ऑप्शन में लेना है पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी का मीनिंग है आर वन डॉट माइनस आर टू, क्योंकि आर वन पॉजिटिव है आर टू नेगेटिव है,
तो जाएगा माइनस आर वन आर टू, तो माइनस आर वन आर टू का मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, तो सी में माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस होके आ गया फोर रूट थ्री प्लस एट वाई थ्री, ये आ गया प्रोडक्ट पी ए डॉट पी बी, तो ये वैल्यू भी आपकी सही होगी, तो एक थर्ड आंसर आएगा। ऐसी जब आप फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे तो देखो फोर्थ ऑप्शन का मीनिंग क्या है, पी ए प्लस पी बी अपॉन पी ए पी बी, तो पी ए प्लस पी बी का मीनिंग क्या था, आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू माइनस के साथ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू दिस नहीं होगी, ठीक है, तो इसका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 17 क्वेश्चन देखें बेटा, TP and TQ are the tangent to the parabola y square is equal to 4x and normal at point P and Q intersect at a point R on the curve, तो मतलब भी P और Q पे जो आपके पास में नॉर्मल जो ड्रा किए गए हैं वो पैराबोला को इंटर पैराबोला पे ही पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करते हैं, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल TPQ इज ए पैराबोला, एक जो ट्रायंगल TPQ का जो सर्कम सर्कल है क्लियर है, उसका अपने को सेंटर जो है उसका लोकस क्या आ रहा है आपके पास में पैराबोला आ रहा है, तो उस पैराबोला के अपने को ये बताना है भी उसका वर्टेक्स मतलब फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये सारे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए अब इसको डायग्राम से, तो पैराबोला क्या है आपके पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्लियर है, तो ऐसा है ये पैराबोला हो गया आपके पास में, तो इसमें मैं पॉइंट क्या ले लेता हूं P and Q, फिर इन पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे अपने, the tangent draw at these points intersect at point T, clear है? अब normal at P and Q intersecting the parabola at point R, तो point R पे intersect कर रहे हैं, clear है? तो ये आपके पास में normal हो गया, यहाँ पे ये इसका normal हो गया इस point पे, ये 90, ये 90। अब मैं क्या करता हूं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपने पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट कर लो, सो टी वन स्क्वायर टू टी वन, तो ए इज इक्वल टू वन है ना यहाँ पे, तो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर लें, टी टू स्क्वायर टू टी टू, एंड नाउ आर के कोऑर्डिनेट अपने क्या लेट कर लेते हैं, टी थ्री स्क्वायर टू टी थ्री, क्लियर है। अब अपने पास में अगर मैं आर पे देखो नॉर्मल ड्रा करता हूं यहाँ पे, तो ये तीनों नॉर्मल ऑल दी थ्री नॉर्मल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आर, ठीक है, आर लाइज ऑन दी पैराबोला। अब अपने को ये पता है अगर तीनों नॉर्मल्स एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो तो आपके पास में सम ऑफ दी ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दी दीज थ्री पॉइंट्स, ये को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए ना, तो सम ऑफ दी ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज थ्री पॉइंट्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो आपके पास में क्या आएगा टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो, सो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास में, पी और क्यू पे जो नॉर्मल ड्रा किए गए वो पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपके पास में टी थ्री किसके इक्वल आएगा, टी थ्री विल बी इक्वल टू माइनस टू अपॉन टी वन माइनस टी वन, एंड टी थ्री अगेन इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस टू अपॉन टी टू माइनस टी टू, तो दोनों टी थ्री की वैल्यू को जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास में एक कंडीशन ये आ जाएगी, ठीक है, टी वन टी टू इन दोनों कंडीशंस को हम यूज करेंगे। अब अपने को ये पूछा है देखो आपके पास में ट्रायंगल टीपीक्यू का जो सर्कम सर्कल आएगा, क्लियर, ये एंगल 90 है, सो द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल टीपीक्यू मस्ट आल्सो पास थ्रू द पॉइंट आर, क्यों ऐसा, ये एंगल 90 का है, सो देन टी आर विल एक्ट एज ए डायमीटर, तो टी आर किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा उस सर्कल का, क्लियर, तो देखो आपने अगर अपने सर्कल बनाए तो वो सर्कल इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब देखें इसमें मैं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर लेता हूं, एच कोमा के, अपने को इस एच के का लोकस फाइंड आउट करना है, दैट इज द पैराबोला, उस पैराबोला के आपको फिर जो जो पार्ट पूछे वो अपने निकाल लेंगे, तो देखो मेरे को ये इसके कोऑर्डिनेट्स देखे अपने टी के, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी एंड क्यू, वो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, तो वो आपके पास में टी वन टी टू एंड even arithmetic mean of y coordinates of point p and q, so that is t1 plus t2, clear है? तो अब अपने क्या है इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं, tr as a diameter, so h is equal to किसके बराबर रहेगा आपके पास में, तो sum of the x coordinates, तो t1 t2 plus t3 square upon 2, clear, so t1 t2 भी है equal to 2, तो
तो वो यहां रख देंगे तो एच इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 2 प्लस टी थ्री स्क्वेयर अपॉन 2. नाउ वाई कोऑर्डिनेट विल बी हियर के इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टू टी थ्री अपॉन 2. क्लियर है? सो यहां से एक टी थ्री कॉमन निकाल लेंगे तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक टी थ्री रह जाएगा आपके पास में. सो टी थ्री अपॉन 2. क्लियर है? अब ये T3 यहां से आप वैल्यू निकालो T3 की दैट इज इक्वल टू 2k. तो ये T3 यहां रख दो. यू विल गेट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल TPQ. तो वो आपके पास में देखो यहां रखेंगे तो क्या आएगा ये 2h इज 2 प्लस 4k स्क्वायर. तो ये आपके पास में k स्क्वायर 2k स्क्वायर तो h माइनस 1. क्लियर? तो k स्क्वायर हियर 1 अपॉन 2 h माइनस 1. तो लोकस क्या आ गया आपके पास y स्क्वायर 1 अपॉन 2 x माइनस 1. अब इसका वर्टेक्स क्या आ गया आपके पास में वर्टेक्स इज 1,0. क्लियर है? अब अपने को देखो एक ही वैल्यू कितनी यहां पे आपके पास में 1 अपॉन 8 है. तो डायरेक्ट्रिक्स पूछा है तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए तो वो आपके पास में क्या आएगा इसमें ऐड कर दें x माइनस 1 में 1 अपॉन 8. सो डायरेक्ट्रिक्स विल बी हियर x इज इक्वल टू 7 माइनस 7 अपॉन 8. तो ये इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 7 अपॉन 8 ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी. क्लियर? क्या क्या पॉइंट पूछे हैं देखो इसमें वर्टेक्स 1 को तो डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज पहले तो ये वर्टेक्स हो गया आपके पास जो फर्स्ट पार्ट आ गया तो फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज तो 7 अपॉन देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपके पास में 7 अपॉन 8 आ रहा है. ठीक है? और इसमें देखो आपके पास में वर्टेक्स बेस का आपके पास में एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस तो हुज इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 0. तो आपके पास में फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी हियर x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा तो आपके पास में 7 अपॉन 8 कॉमा 0. क्लियर है? तो ये इसका एक तो सेकंड ऑप्शन हो गया. अब पूछा गया आपको लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 1 अपॉन 2 होगा वो तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा. क्लियर है? सो नाउ फोकस इज तो फोकस निकालने के लिए आपके पास में क्या करोगे ये x माइनस 1 के इक्वल 1 अपॉन 8 रख दो. सो यू विल गेट हियर 9 अपॉन 8. सो फोकस विल बी फोकस आपके पास में 9 बाई 8 तो 0. तो क्योंकि आपको पता है फोकस इसके एक्सिस पे लाई करेगा एक्सिस इज द y इज इक्वल टू 0 तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18. लेट s बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर a फॉर व्हिच द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर कॉनसाइक्लिक then s contain the interval. s contain the interval का मीनिंग क्या है कि आपको सिंपल a का इंटरवल फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो टू पैराबोलाज हैं ये फोर पॉइंट्स पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट और ऑल फोर पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक. तो देखो एक रफली डायग्राम की बात करोगे आप जैसे लेट एक पैराबोला आपने ऐसे बनाया और एक पैराबोला आपने लेट ऐसे ड्रॉ किया तो ये फोर पॉइंट पे क्या करते हैं बच्चों इंटरसेक्ट. तो किसी ने क्या बोला गया कि ये पॉइंट क्या कॉनसाइक्लिक है. तो अगर ये चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक हैं तो इन फोर पॉइंट से ऑलवेज कौन पास होगा ये सर्किल. ये कॉनसाइक्लिक की कंडीशन है कि कॉनसाइक्लिक के केस में उन चारों पॉइंटों से ऑलवेज एक सर्किल पास होगा. तो अब देखो कैसे करना ये टू कर्व बोल सकते हो या पैराबोला बोल सकते हो. लेट ये एस वन कर्व है ये लेट आपका एस टू कर्व है. तो टू कर्व के इंटरसेक्शन से कोई भी कर्व अगर पास होगा तो उसकी इक्वेशन ले सकते हैं अपन फैमिली ऑफ कर्व से S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0. S1 का मीनिंग लेट ये कर लेते हैं इसको उधर कर दो मल्टीप्लाई और फिर राइट में शिफ्ट कर दो तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 माइनस 2y. सबको वन साइड शिफ्ट किया आपने ये लेट आपका S1 पैराबोला है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 कर क्या होगा y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0. ये आपका एक सेकेंड डिग्री का कर्व है और बाद में बोला गया कि इट्स कर्व रिप्रेजेंट दी सर्किल. भाई इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो कर्व पास होगा उसकी इक्वेशन क्या है s1 प्लस लैम्डा s2 0 और ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए बच्चों सर्किल को. तो सर्किल की किस में क्या करोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तो इससे आ गया 1 इक्वल टू लैम्डा. तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिली आपको 1. तो लैम्डा की वैल्यू को जब 1 पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ कॉनसाइक्लिक सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ax माइनस 2y माइनस 2y प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0.
ये आपकी इस रिक्वायर्ड सर्किल की क्वेश्चन है। अब अगर ये सर्किल की क्वेश्चन है तो इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए रियल, तो रेडियस का फॉर्मूला पहले सर्किल का सेंटर क्या होगा बोलो, ए कोमा वन, तो इसकी रेडियस लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव का अंडर रूट, ये इसकी रेडियस है। और रेडियस आपकी रियल होनी चीज के लिए क्या करो, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो इससे आ गया मोड ए ग्रेटर देन टू। तो मोड ए ग्रेटर देन टू का मीनिंग क्या होगा कि ए या तो टू से ग्रेटर होगा या ए माइनस टू से लेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट और बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बेटा अब इसमें 19 क्वेश्चन देखें। इफ टू डिस्टिंक्ट कोर्ड्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासिंग थ्रू ए टू ए आर बाइसेक्टेड ऑन द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 1 देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैन बी। तो क्वेश्चन में क्या है, ये पॉइंट ए टू ए पैराबोला पे लाई करता है और इस पॉइंट से दो डिस्टिंक्ट कोर्ड्स ड्रा की जाती है और दोनों डिस्टिंक्ट कोर्ड्स के बाइसेक्ट होती है इस लाइन से। ठीक है, तो देखें अपने रफ डायग्राम बनाते हैं। तो ये पैराबोला आपके पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पॉइंट आपका a टू a। ठीक है, अब इससे दो कोर्ड्स ड्रा की गई, तो ये पॉइंट p ले लिया, ये a b, दीज टू कोर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय द लाइन x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर लेता हूं, ये पॉइंट a पॉइंट लेट कर लेते हैं अपने, इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लेट कर लिए यहां पे h, तो उधर इसमें जब h डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1 माइनस h। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके ट्वाइस में से इसको सबट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट फटाफट, नहीं तो आप सेक्शन फार्मूला लगा दो। तो आपके पास में क्या आ रहा है, 2h माइनस a, तो 2 माइनस 2h माइनस 2a। अब ये पॉइंट आपका किस पे लाई करता है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, तो पैराबोला पे इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है, so 2 minus 2h minus 2a full square, so 4a 2h minus a। clear है, अब इसमें देखो इसका 4 तो आपने यहां से cancel कर देते हैं, यहां से 2 common आएगा तो वो 4 चला जाएगा, तो 1 minus h minus a full square and a, तो 2h minus a। अब अपने इसको simplify कर लेते थे, 1 plus h square minus plus a square minus 2h minus 2a एंड प्लस का 2ah एंड दिस इज 2ah माइनस a स्क्वायर, तो यहां से प्लस का 2ah ये कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास में h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो ये आपके पास में माइनस 2h एंड हियर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, हां तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इधर ये, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा अब आपके पास में दो डिस्टिंक्ट कोर्ड्स हैं, तो दो डिस्टिंक्ट कोर्ड्स के लिए आपके पास में h क्या है, ये h में क्वाड्रेटिक आ गई, तो ये आपके पास में h मस्ट बी रियल एंड दिस इक्वेशन मस्ट हैव द बोथ द रूट्स डिस्टिंक्ट। ठीक है, दोनों के डिस्टिंक्ट हो तभी तो दो कोर्ड्स बनेंगे डिस्टिंक्ट, तो फिर आपके पास में फॉर द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स के d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दिस विल बी 4 एंड 4 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इस फॉर्म में, तो 4 को कैंसिल कर दें यहां से, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a एंड माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो ये आपके पास में कैंसिल, तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है, a a माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो a कहां से कहां तक लाई कर रहा है आपका, 0 से 1 के बीच में, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट हियर, सो 4a इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्लियर है, ऑफ द पैराबोला, so this lies in between 0 and 4, so answer to this question is first one, second one and fourth one, okay, so next question, उसके बाद देखो question number 20, suppose a parabola y square equal to x square minus ax minus 1 intersect the coordinate axis at three points a b and c respectively, the circumcenter of delta ABC intersect the y-axis again at point D 0, T, then find the value of T. तो देखो इसमें x square coefficient आपका positive है, तो इसका diagram बनेगा upward parabola, इसका roughly diagram draw करते हैं अपन, इसमें जब x को 0 लोगे तो y आता minus 1, मतलब इसका diagram upward parabola होगा
और वो इस पॉइंट से ऐसे पास होगा। तो ये बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को थ्री पॉइंट पे कट करता है, लेट ये पॉइंट ए है, ये लेट पॉइंट बी मान लो आप कितना था 0, -1 और ये लेट पॉइंट सी है आपका, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि थ्री पॉइंट्स हैं तो सर्कम सेंटर ऑफ डेल्टा एबीसी, तो इस एबीसी ट्रायंगल का जब सर्कम सेंटर ड्रॉ करोगे आप सर्कम सर्कल तो जो सर्कम सर्किल है वो इस टाइप से ड्रॉ करोगे आप, तो ये सर्कम सर्किल अगेन डी 0, t से पास होगा। तो बताओ t की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो पहले अपन इस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक सर्किल की इक्वेशन के लिए देखो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। जैसे लेट अगर इस पॉइंट ए को आप लेट करते हो बच्चों x1, 0 और इस सी पॉइंट को लेट करते हो x2, 0। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें यूज करेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। कैसे कि जैसे लेट इस ए बी को आप एक सर्किल का डायमीटर लेट करो और इस ए बी लाइन को एक लाइन लेट करोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अपन क्या यूज करेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल इज एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस का मीनिंग क्या है कि ए बी को डायमीटर लेट करते हुए आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन डायमीटर फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो वाई माइनस जीरो वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा और एक्स एक्सिक्यूशन को वाई इक्वल टू 0। ये आपकी फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन है और ये फैमिली ऑफ सर्किल आपका ये ब्लैक वाला सर्किल होना चाहिए। तो ब्लैक वाला सर्किल किस पॉइंट से पास होगा, इट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0, -1। इससे क्या होगा आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो जब आप एक्स को 0 पुट करोगे तो ये जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आप ये देखो ये एक्स वन एक्स टू क्या है, जब इस पैराबोला में आप वाई की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये बनेगी एक्स में क्वाड्रेटिक जो एक्स के टू डिस्टेंट रूट्स होंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, देन इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बेटा माइनस वन। वाई को 0 पुट करने पे ये टू इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुके आपको पैराबोला के, तो ये एक्स वन एक्स टू है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस वन लोगे तो इससे लैम्डा आ गया 0। लैम्डा 0 आने के बाद आपको इस ब्लैक वाले सर्किल की क्या मिलेगी बोलो इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या होगी बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स और प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा वाला पार्ट तो 0 में चला गया। अब देखो एक्स वन एक्स टू इस क्वाड्रेटिक के रूट है तो एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा माइनस ए, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो ए आएगा तो आएगा माइनस के ए एक्स प्लस सॉरी माइनस वन इक्वल टू एक्स वन एक्स टू लेना माइनस वन। अब ये जो सर्किल है इट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट डी 0, t, तो जब इसको जी डी 0, t से पास करोगे तो एक्स वाले पार्ट 0 तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इससे आपको टी की दो वैल्यू मिल सकती है 1 और -1। बट सिंपल सी बात यह है कि टी को माइनस वन लोगे तो ये पॉइंट अगेन क्या बन जाएगा आपका भी, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक अनोदर पॉइंट डी पे कट करती है तो टी क्या होगा इसमें 1, तो इसका आंसर आपको 1 फिल करना था, ठीक है। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।